क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो अभी सिर्फ 25-30 साल का हूँ, बहुत फिट हूँ, तो मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, क्यों हर साल अपना पैसा हेल्थ इंश्योरेंस लेकर वेस्ट करूँ? तो देखते हैं चलिए कि अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस होता है जो हमारे बीमार पड़ने पर, हॉस्पिटलाइजेशन होने पर हमारे हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हम कार या बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं और उसे हर साल रिन्यू कराते हैं, वैसे हमें हेल्थ इंश्योरेंस को भी हर साल रिन्यू कराना होता है, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल या 3 साल तक के लिए एक साथ ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है हमारी एज के साथ बढ़ते जाता है हर 5 साल के ब्रैकेट में, मतलब कि 30 से 35 साल तक सेम रहेगा, 35 से 40 तक सेम रहेगा, 40 से 45 तक सेम रहेगा एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं कि अर्ली एज में जब हम फिट हैं तब हेल्थ इंश्योरेंस लेके हमें क्यों अपने पैसे बर्बाद करने चाहिए। पहली बात तो ये कि हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस के जैसे नहीं होता है कि आपने अर्ली एज में ले लिया तो हमेशा ही आपका प्रीमियम कम रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी एज के साथ बढ़ते जाता है, लेकिन होता क्या है कि जब हम फिट होते हैं, अर्ली एज में होते हैं, तो हम किसी भी कंपनी का और कितने भी समय इंश्योर्ड का इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि जब यदि हमें कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो गंभीर बीमारी के केस में तो हमें इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट इंश्योरेंस देने से मना भी कर सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर बीमारी को हमारे इंश्योरेंस कवरेज से एक्सक्लूड कर सकती है। मतलब हमारे पास इंश्योरेंस तो होगा लेकिन उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड क्लेम हम नहीं कर पाएंगे, या फिर उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के क्लॉज में डालकर हमें वेटिंग पीरियड दे सकती है। मतलब कि उतने समय तक, जो वेटिंग पीरियड जो होता है 1 से 4 साल तक होता है, तो 1 से 4 साल तक वेटिंग पीरियड के एंड होने तक हम उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे और हमारे पास इंश्योरेंस होगा, और इस कारण से आपको हायर प्रीमियम भी पे करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी आपकी एज कम है और आप फिट हैं, ऐसे समय में आप इंश्योरेंस कंपनी की नज़र में लो रिस्क क्लाइंट हैं और आप लोअर प्रीमियम में हायर सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। इसीलिए आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस ले, ये जरूर देखें कि आप किस टाइप की सिटी में रहते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 में, और उसके हिसाब से एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लें। क्योंकि एक बार कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको हायर सम इंश्योर्ड देने से रिफ्यूज़ कर सकती है। हालांकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यदि आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो उसे रिन्यू करने से तो मना नहीं कर सकती, लेकिन आपके सम इंश्योर्ड को एक्सटेंड करने से मना कर सकती है। जब हम यंगर एज में हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हमारे पास बेटर प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं और पूरा फ्रीडम होता है हायर सम इंश्योर्ड सेलेक्ट करने का, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है तो हेल्थ रिस्क बढ़ते जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी जो है हमारे ऑप्शंस को रिड्यूस करते जाती हैं। इसीलिए जब हम यंगर एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारे पास बेटर ऑप्शंस होते हैं, बेटर डील्स होती हैं, हायर सम इंश्योर्ड सेलेक्ट करने की पूरी फ्रीडम होती है और लोअर प्रीमियम पे करना पड़ता है। जिस साल हम कोई क्लेम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पैसा डूब जाता है, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है हमें नो क्लेम बोनस देती है, जो कि हमारे सम इंश्योर्ड को 10-20% तक बढ़ा देती है, और जो कि बढ़ते बढ़ते 100% से 150% तक बढ़ जाता है। मतलब कि हमारा सम इंश्योर्ड जो है 2 से 2.5 गुना तक हो सकता है। तो क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो बहुत सारे क्लेम फ्री ईयर्स निकाल सकते हैं और बहुत सारा नो क्लेम बोनस जमा कर सकते हैं, जो कि हायर एज में बीमार पड़ने पर हमारे काम आ सकता है। अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो और आप यदि यंग एज में हैं तो आप एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस लें और उसे रिन्यू करते रहें, और जब आपकी एज ज़्यादा हो जाए तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से आप उसके लिए टॉपअप और सुपर टॉपअप बाई कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इसमें टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आप अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके बहुत सारा टैक्स भी सेव कर सकते हैं और टैक्स सेविंग के साथ साथ उन्हें सिक्योर भी कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है सिर्फ आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं होता, बल्कि आपकी सेविंग्स का भी इंश्योरेंस होता है। कई बार एक हॉस्पिटलाइजेशन में लाखों रुपए लग जाते हैं, ऐसे में जिन्हें आप सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर सेव कर सकते हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को एक लायबिलिटी ना समझकर एक इंश्योरेंस, एक इन्वेस्टमेंट समझें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। यदि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके या फिर हमारे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कोई भी काम की जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।